ओके सो हाय गाइस वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आपसे कुछ सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप का हिम्मत सिंह का कॉन्सेप्ट। एंड गाइस जैसे कि आप सभी को पता है जब भी हिम्मत सिंह का कोई कॉन्सेप्ट मतलब आता है तो गाइस आप लोगों का जो DM है मेरे पास आना स्टार्ट हो जाता है कि भाई हमें इस फोटो का ट्यूटोरियल चाहिए। तो जैसे कि गाइस कल भी आप सभी के काफी ज्यादा मतलब कि इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे थे कि यार भाई हमें ट्यूटोरियल लाकर दे दो। तो गाइस मैंने आप सभी को बोला था यार कि मतलब थोड़ा टाइम लगता है जब हम भाई हिम्मत सिंह फोटो अपलोड कर देता है थोड़ा, क्योंकि मेरे को भी एडिट करना है एंड PNG एंड बैकग्राउंड ढूंढने में टाइम लगता है ना थोड़ा, तो इसलिए गाइस थोड़ा टाइम लग जाता है। इसलिए गाइस मैं आपको नेक्स्ट डे वीडियो लाकर देता हूं, बट गाइस मिल जाती है आप सभी को वीडियो। एंड गाइस बस मैं आप सभी से यही चीज करना चाहूंगा कि गाइस जैसा पहले मतलब वीडियो पे जैसा रिएक्शन आता था आप सभी का मेरा रिस्पांस कितना अच्छा आता था पहले की तरह, तो गाइस इस वीडियो पे वैसे आप मतलब रिस्पांस देना यार, ठीक है वीडियो को पूरा देखना। एंड गाइस वीडियो को लाइक करे बिना तो बिल्कुल मत जाना, क्योंकि यार आप सभी के जब लाइक्स एंड कमेंट्स आते हैं तो यार मेरे को काफी मोटिवेशन मिलता है कि यार हाँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है और मेरे को वीडियोस बनानी चाहिए। तो प्लीज यार आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करना और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी गाइस इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेज जिसका मैं यूज करूंगा सभी का लिंक आप सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इसलिए वीडियो देखने वाले जगह डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा गाइस इस वीडियो में ना आप सभी को इसमें क्लोन टूल का यूज करना पड़ेगा जिसके ऊपर मैंने एकदम प्रॉपर वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को भी जाकर देख लेना। एंड बाकी आप सभी को अगर आप इस वीडियो में ध्यान से देख लोगे क्लोन टूल को तो आप लोगों का उसमें भी समझ आ जाएगा कि आप सभी क्लोन टूल को यूज कैसे करना है, ठीक है बस आप लोग ध्यान से देखना, बाकी सारा प्रोसेस आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। तो बाकी चले गए आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज आप सभी को सबसे पहले करना क्या है गाइज आप सभी को यहाँ पे गाइज पहले अपने मॉडल को लेना है, ठीक है गाइज मॉडल को लेने के बाद गाइज इसका आप सभी को करना है यहाँ पे बैकग्राउंड रेस, ठीक है। तो बैकग्राउंड रेस करने के लिए यहाँ पे यूज करेंगे हम ड्रॉ टूल का। ड्रॉ टूल में ले जाने के बाद गाइज आपको अपनी फोटो का यहाँ पे कुछ स्टेप से लेयर सेलेक्ट कर लेना है। रिजल्ट टूल में जाना है आप सभी को, यहाँ पे आपको साइज को जितना रखना है, ठीक है। हार्ड ब्रश को सिलेक्ट करके उसकी ओपोसिटी आप अपने हिसाब से कम कर लेना, हार्डनेस को एंड यहाँ से आपको फटाफट से इरेज कर लेना है। एंड मैं इसको फटाफट इरेज करता हूँ एंड आगे का प्रोसेस आप सभी को मैं बता देता हूँ फिर। एंड गाइस उसके बाद आप सभी को इस बैकग्राउंड को ले लेना है, ठीक है गाइस। तो गाइस टेंशन मत लेना गाइस बैकग्राउंड को देख के कि यार आप सभी को मैं यहाँ पे अपना जो हेड है वो कट करके यहाँ पे लगाने को बोलूँगा, नहीं गाइस वैसा बिल्कुल नहीं है। आप सभी को सिंपली अपने यहाँ पे मॉडल को ऐड करना है इस बैकग्राउंड में। एंड बैकग्राउंड में ऐड करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको सिंपली गाइस अपने मॉडल को जो है गाइस कुछ स्टेप्स यहाँ पे ऐसे रख देना है, ठीक है बैकग्राउंड के ऊपर। एंड गाइस आप जैसे इसको रख दोगे तो गाइस पीछे हमारे कुछ था ये हमें पता भी नहीं चलेगा आपके मॉडल को, एंड आप कोई फोटो देखेगा तो उसको ये भी नहीं अंदाजा भी नहीं लगा पाएगा कि पीछे कोई खड़ा भी है, ठीक है। बस आपको सिंपली ऐसे लेना है एंड ऊपर फ्रंट साइड में आपको अपने मॉडल को यहाँ पे ऐड कर देना है। फिर गाइस यहाँ पे आपको अभी थोड़े से चेंजेस करना है, ये नहीं कि आप बस डायरेक्ट मॉडल को लगा दोगे तो गाइस हो जाएगा, अब यहाँ पे थोड़े से चेंजेस और करना है आपको, यहाँ पे थोड़ा सा ओपेसिटी कम करना है गाइस यहाँ पे। फिर आपको इरेजर टूल में जाना है, यहाँ पे आप सभी को हार्डनेस को फुल करके एंड इसकी साइज को छोटा कर लेना है। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे फोटो को जूम करना है। एंड गाइस फोटो को जूम करने के बाद गाइस यहाँ से आप सभी को थोड़ा थोड़ा एरिया जो यहाँ पे इरेज करना है, ठीक है, जो कि मतलब आपको शोल्डर के पास से जहाँ पे दिख रहा है आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ से इरेज करना है। ये गाइस जिसे इरेज करना है क्योंकि गाइस कुछ कुछ जो एरिया होगा आपको डार्क सा रह जाएगा, तो उसमें मतलब कि आप किसी के साथ खड़े होकर जब फोटो क्लिक कराओगे तो वहाँ पे शेडो सा दिखेगा, तो इसलिए वो डार्क दिखेगी फोटो वहाँ पे, तो वहाँ से वो ही आपको इरेज कर देना है एंड ओपोसिटी यहाँ पे फुल कर देना है। फिर गाइस यहाँ पे आपको अभी डन नहीं करना है, ठीक है, आप सभी को जाना है ऐसे ऐड फोटो में। एंड गाइस आप ये चीज़ देखना कि गाइस आपको जो है मॉडल है ना दूसरा जो टाइगर श्रॉफ है उसके बगल में जो हैंड है गाइस आपको इसमें गाइस कोई जरूरत भी नहीं आपको कि अपना आपको अपना खुद का हैंड लगाना पड़े, मैंने उसमें हैंड पहले से ही ऐड कर रखा है, मतलब बैकग्राउंड में पहले से ही ऐड है, आप वैसे लगा सकते हो, ठीक है। आप मतलब बस आप डायरेक्ट अपने मॉडल को लगाना है, तब बाकी चलते हैं अपनी शेडो की तरफ। तो गाइस आप इरेजर टूल में जाना, आप अपनी उसको ब्लैक शीट को लेके एंड गाइस उसके बाद आपको सिंपली कुछ इस टाइप से ऐसे पेंट करना है कुछ इस टाइप से। एंड गाइस जहाँ तक आपको शेडो बनानी है वहाँ तक आपको कुछ इस टाइप से पेंट करना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। एंड जब आप गाइस ऐसे पेंट कर दोगे तो फिर उसके बाद आपको यहाँ पर डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड गाइस आपको इरेजर टूल के ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा है आपको उस पर क्लिक करके उसको मूव डाउन कर देना है एंड ये नीचे की तरफ चले जाएगा। फिर गाइस आपको यहाँ पर ओपेसिटी कम कर लेनी है एंड गाइस आपकी जो शेडो है कुछ इस टाइप से यहाँ पर बन के तैयार हो जाएगी, ठीक है।
तो इस तरीके से आपको यहाँ पे शेडो बनानी है। एंड गाइस इतना कर देने के बाद आप सभी को फिर क्या करना है गाइस, यहाँ पे आप सभी को अब गाइस देखे ना, अभी पहले हम इसको यहाँ पे डन कर लेते हैं। तो क्योंकि गाइस आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा, अब यहाँ पे बताऊंगा मैं क्लोन टूल के बारे में, ठीक है, कि क्लोन टूल का यूज आपको कहाँ करना है। तो गाइस आपको देखो गाइस, पहले मैं फोटो को जूम कर दिखाता हूँ। देखिए गाइस यहाँ पे जो इतना एरिया यहाँ पे टाइगर स्लोप का नहीं दिख रहा है हमें, ठीक है, तो हमें ये चीज़ पूरा फील करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे क्लोन टूल में, एंड क्लोन टूल को गाइस यूज़ करना है। एंड गाइस जिसको ऊपर एक मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है, अगर जिस भाई को देखनी हो तो वो जाकर देख लेना, एंड इजीली वहाँ से वो सीख सकता है। फिर गाइस यहाँ पे हम इसको साइज़ बड़ा करके एंड यहाँ पे फटाफट से इसको हम यहाँ पे कुछ स्टेप से ऐसे इस तरीके से आगे की तरफ पुश करेंगे, एंड कुछ स्टेप से ये जो है आगे की तरफ क्रिएट होता जाएगा, ठीक है। तो आप सभी को ऐसे फटाफट कर लेना है, एंड बाकी जो आगे करना है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। ओके गाइज, सो इतना देखिए गाइज हमारे यहाँ बन चुका है, अब इसको हम डर लेते हैं डन। अब गाइज आप सबको फिर क्या करना है गाइज, यहाँ पे अब आप सबको गाइज इसमें आपके आपके बारी आती है गाइज, यहाँ पे थोड़ा सा दो तीन PNG लगानी की, तो वो लगाते हैं हम। तो उसके लिए पहले क्या करेंगे हम, यहाँ से गाइज यहाँ से पहले जाएंगे हम ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइज आप सबको सिंपली गाइज इसे डार्क नेट पिक नेट वाली PNG को लेना है। एंड गाइज इसको लेने के बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे फुल स्क्रीन करके आपको सिंपली इसको ऐड कर देना है कुछ इस टाइप से। एंड गाइज आप जैसे इसको ऐड कर दोगे तो आपके बैकग्राउंड में कुछ इस टाइप से ऐड हो जाएगा, देन आपको फिर सिंपली डन कर देना है। एंड गाइस उसके बाद आप सबको फिर क्या करना है, जिसमें जाना आपको टूल्स है, फिर एडजस्ट में, एडजस्ट में जाने के बाद गाइस आपको इसमें सैचुरेशन में जाना है, क्योंकि गाइस आपके जो दोनों मॉडल है उसका सैचुरेशन आपको मैनेज करना है। एंड इसको मैनेज करने के लिए आपको यहाँ पे 11 तक माइनस कर देना है। एंड इससे क्या होगा कि गाइस दोनों मॉडल होंगे जो उसका सैचुरेशन मतलब एक लेवल में आ जाएगा। फिर गाइस यहाँ पे आपको हम फोटो को सेव कर लेना है। एंड गाइस उसका फोटो को सेव करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, आप सभी को इसको लेकर चलना है लाइटरूम ऐप में। लाइटरूम ऐप में ले जाने के बाद आपको फिर क्या करना है, लाइटरूम में ले जाने के बाद गाइस आपको थोड़ा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देना है, हाईलाइट है जो गाइस इसका थोड़ा सा कम कर देना है, एंड जो गाइस यहाँ पे शेडो है इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है। एंड गाइस नीचे आप सभी को मिलेगा यहाँ पे व्हाइट, आप सभी को गाइस व्हाइट है जो थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज कर देना है। एंड यहाँ पे फिर नीचे आपको मिलेगा ब्लैक, आपको गाइस थोड़ा सा इसको भी बढ़ा देना है। फिर गाइस यहाँ पे आपको जाना है कलर्स वाला ऑप्शन में, आपको गाइस इसका थोड़ा सा वाइब्रेशन बढ़ा देना है। एंड गाइस उसके बाद थोड़ा सा जो टेम्परेचर इसको कम कर देना है। फिर गाइस यहाँ पे जाना आपको कलर मिक्स में, यहाँ पे ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन आपको थोड़ा माइनस कर देना है, ल्यूमिनस है जो उसका बढ़ा देना है। फिर गाइस इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आप सभी को गाइस जाना है यहाँ से येलो कलर में, आप इसका चाहो तो ह्यू चेंज कर सकते हो, जो आपके ट्रीज वगैरह पीछे आप उसका ह्यू चेंज कर सकते हो। एंड गाइस उसके बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे आप सभी को जाना है डार्क ब्लू में, इसका सैचुरेशन यहाँ पे माइनस कर देना है, क्योंकि गाइस हमें ब्लू कलर यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। फिर उसके बाद गाइस यहाँ पे लेंगे हम पर्पल कलर, इसका सैचुरेशन हम थोड़ा माइनस कर देंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे डन कर देंगे। फिर गाइस हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको अभी मिलेगा ये वाला टोन, इस टूल आपको इसमें जाके आपको क्लियरिटी को थोड़ा बढ़ा देना है, एंड थोड़ी सी वीकनेस डाल देना है हल्का सा, ठीक है। फिर नीचे स्क्रॉल करना, आपको मिलेगा ग्रे माउंट, आपको उसको बढ़ा देना है। एंड फिर जाना आपको इसके नीचे वाले टूल में, फोटो की जो शार्पनेस होगी गाइस आपको उसको इंक्रीज कर देना है। एंड गाइस जो फोटो में नोटोक्सन है आपको उसको बढ़ा देना है, एंड जो गाइस कलर नोटोक्सन है आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली जो हमारी फोटो का रिजल्ट है वो आप सभी के सामने, तो गाइस आशा करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब गाइस मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।